खूबसूरत और दिलकश हाथ और पांव खूबसूरत शख्सियत की अलामत होता है। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द बेस्ट वाइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर योर फीट एंड हैंड्स। सो देर आर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स फॉर वाइटनिंग योर फीट एंड हैंड्स। सो गाइस, इस लोशन से आपके हैंड्स एंड फीट इस कदर खूबसूरत हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और वाकई ये सिर्फ कहने की बात है। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि इस लोशन में हम 2 मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। देर आर मेनली 6 इंग्रेडिएंट्स इन दिस लोशन। सो द फर्स्ट इज़ वैजलिन लोशन और एज़ यू कैन सी इट्स हेल्दी ब्राइट यूवी एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग विटामिन B3। सो गाइस, ये 200 ml की एक बॉटल है वैजलिन लोशन की। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग सीरम जो कि हम यूज़ करेंगे। और आप जितने भी ये चीज़ें लेंगे मेडिकल स्टोर से उसकी आप एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करें। और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं और इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, इसमें भी सब कुछ मेंशन है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वाइटनिंग कैप्सूल। ये छोटे छोटे वाइट कलर के कैप्सूल्स होते हैं, ये हम यूज़ करेंगे। एंड देन इट्स मेडिकेटेड क्रीम, क्लोबोवेट क्रीम, ठीक है, क्लोबोवेट क्रीम। और इसकी भी आप एक्सपायरी चेक किया करें क्योंकि जितने भी मेडिसिन है, मेरी तो आदत है कि मैं मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर चेक करती हूँ। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डर्मोवेट क्रीम और दिस इज़ क्रीम नॉट ऑइंटमेंट, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाली एक जार लेंगे और इसमें 100 ml लोशन जो है वो हम डाल देंगे। और उसके बाद हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जो हमारी क्रीम्स वगैरह हैं वो हम ऐड करते जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं क्लोबोवेट क्रीम और इसकी बहुत ही कम मिकदार यूज़ करनी है क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी आती हैं जिसको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है वाइटनिंग के लिए, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर वाइटनिंग। ये मैं जस्ट इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इसमें 3 मटर के दाने के बराबर आपने इतने लोशन में इसकी मिकदार ऐड करनी है। और देन इसमें डर्मोवेट क्रीम हमने ऐड की है 1 स्पून। और उसके बाद इवियोन कैप्सूल्स हैं 400 mg। वैसे तो 200 mg भी होते हैं लेकिन ये 400 mg को ऐड करने की वजह ये है क्योंकि जो क्लोबोवेट और डर्मोवेट क्रीम्स होती हैं ये मेडिकेटेड हैं और ये स्किन के मॉइस्चर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं और स्किन से जैसे एक उसकी लेयर वो उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसको उस इवियोन कैप्सूल ऐड करेंगे ताकि जो स्किन का मॉइस्चर है और स्किन की जो ऑयलिंग है वो ख़त्म ना हो सके। और 2 इवियोन के कैप्सूल ऐड किए हैं और 2 ही वाइटनिंग कैप्सूल ऐड किए हैं ताकि आपकी स्किन में ग्लो और वाइटनिंग टेक्सचर आ जाए। तो गाइस, ये क्योंकि हमारे लोशन की मिकदार ज़्यादा है इसलिए 2 वाइटनिंग कैप्सूल का कुछ ख़ास नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे गोल्डन पर्ल बूस्टिंग सीरम, तो इसके 4 to 5 जो ड्रॉप्स हैं वो हम ऐड करेंगे ताकि आपकी स्किन को बूस्ट मिले और ग्लो मिले। सो गाइज, आपने देखा है मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड जो क्रीम्स थी उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वाइटनिंग लोशन फॉर यू ऑल गाइज, यू विड लव इट। इंशाल्लाह यू गेट रिजल्ट इन 1 वीक। सो गाइज, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक मेंटेन शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो देयर यू मे रिसीव माई लेटेस्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।